फाइन ओके चलिए आज कौन सा दिन है विजडे इज टुडे टुडे इज थर्सडे कौन सा डे थर्सडे एंड डे 27 अगस्त डेट कौन सा है 27 अगस्त और डे कौन सा है थर्सडे ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी आज देखिए थीम फोर पे क्या है आप अपनी बुक को ओपन कीजिए थीम फोर और पेज नंबर 12 निकालिए देखिए पेज नंबर 12 में क्या है आपको मैच द फॉलोइंग आपको क्या करना है मैच करना है किससे करना है कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से कल मैंने बताया था ना आपको मैच करना कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से आज भी आपको वही करना है कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करना है कैसे करना है चलिए बता रहे आपको ये क्या है कैपिटल डी है ना यहाँ पे देखिए सारे कैपिटल लेटर्स है एंड यहाँ पे स्मॉल लेटर्स है तो क्या करना है कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर से आपको मैच करना है तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या है डी क्या है डी और यहाँ पे देखिए कि स्मॉल डी कहाँ पे है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कैपिटल डी को स्मॉल डी से मैच कर देंगे ओके ये क्या है कैपिटल आई अब हमें क्या करना है स्मॉल आई से मैच करना है तो कैपिटल आई को स्मॉल आई से मैच कर लीजिए ये कौन सा लेटर है लेटर सी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी ये रहा तो कैपिटल सी को आप स्मॉल सी से मैच कर लीजिए फिर नेक्स्ट लेटर क्या है एच तो कैपिटल एच है स्मॉल एच यहाँ पे तो कैपिटल एच को स्मॉल एच से मैच कर लीजिए क्लियर कौन सा लेटर है लेटर ए अब देखिए स्मॉल ए कहाँ पे है यहाँ पे है ना तो कैपिटल ए को स्मॉल ए से मैच कर लीजिए नेक्स्ट है आपका कैपिटल एल क्या है कैपिटल एल को स्मॉल एल से मैच करना है तो कैपिटल एल को स्मॉल एल से मैच कर लीजिए लास्ट क्या है कौन सा लेटर है लेटर एफ तो लेटर कैपिटल एफ को क्या करना है हमें स्मॉल एफ से मैच करना है क्लियर ये क्या था आपका मैच द फॉलोइंग और मैच द फॉलोइंग में क्या था कि कैपिटल लेटर को आपको स्मॉल लेटर से मैच करना है क्लियर ओके स्टूडेंट्स आज हम आपको पढ़ाएंगे लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी से लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी ये बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर आप निकालिए 51 पेज नंबर 51 और देखिए इसमें क्या है टू वर्ड्स लेटर क्या है टू लेटर वर्ड्स ओके आपको इसमें क्या करना है पहले तो देखिए लेटर क्या होता है आपको पता है लेटर्स क्या होता है ए बी सी डी लेटर्स क्या है हमारे ए बी सी डी ई एफ ये हमारे क्या है लेटर्स है ओके अब हम एक से अधिक यानी एक लेटर्स और एक लेटर को अगर हम लेते हैं तो हमारे क्या बनते हैं दो लेटर बनते हैं ना तो जब दो लेटर को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है अब जैसे देखिए फर्स्ट लेटर लेते हैं हम ए ओके एक लेटर लिए ये वर्ड बना हमारा नहीं बना क्यों नहीं बना क्योंकि सिर्फ ये एक लेटर है ओके अगर हम इसमें एक लेटर और ऐड करते हैं जैसे टी एक लेटर हमने और ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया एड क्या बना एड बना ना तो क्या करना है हमें एक लेटर से एक लेटर को ऐड करके हमें वर्ड बनाना है जैसे देखिए आपकी बुक में है ना टू लेटर वर्ड्स आप अपनी बुक ओपन कीजिए टू लेटर वर्ड्स है ना कौन कौन से टू लेटर वर्ड्स है ए एन एन ए टी एड ए एम एम आई एस इज आई आई टी एट आई एन इन है ना ये हमारे क्या है टू लेटर्स वर्ड्स क्लियर हुआ चलिए फिर से हम आपको बता रहे हैं आपको देखिए टू लेटर वर्ड्स पहले क्या करना है अगर हम कोई भी एक लेटर लेते हैं चलिए अब हम क्या लेते हैं आई एक लेटर ले लिया हम आई आई से कोई वर्ड बना आई से नहीं क्योंकि ये सिंगल लेटर है ना अगर हम इसमें एक लेटर और ऐड कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे जैसे आई है हम एन को ज्वाइन कर देते हैं इसमें ओके ज्वाइन कर दिए तो हमारे कितने लेटर हो गए
टू लेटर्स हो गए, टू लेटर्स हुए ना, और जब हमने टू लेटर्स को ऐड किया यानी ज्वाइन कर दिया तो हमारे ये क्या बन गए, वर्ड बन गए। क्या बन गया, वर्ड बना। तो आई एंड इन मतलब क्या होता है, अंदर होता है ना, तो ये वर्ड बना ना, तो क्या हुआ हमारा कोई भी सिंगल लेटर वर्ड नहीं बनता है जब तक हम एक लेटर उसमें और ऐड नहीं करेंगे। यानी एक लेटर में अगर हम एक से अधिक लेटर भी ऐड करते हैं तो हमारे वर्ड्स बनते हैं ना। जैसे इसमें देखिए सिर्फ हम एक ही लेटर ऐड किए ना, यहाँ बुक पे भी देखिए आपके टू वर्ड्स, क्योंकि हम आपको टू लेटर वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक लेटर में सिर्फ एक ही लेटर ऐड करना है और हमें वर्ड्स बनाना है। क्लियर, ओके। आपको अगर समझ में आया है तो इसकी वीडियो बना के हमें सेंड कीजिएगा। आपका रिटन वर्क कंप्लीट होता है। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ये कहानी आप पहले भी सुन चुके हैं, कौन सी, बंदर और मगरमच्छ की। सुने है ना कहानी, आपको अच्छी लगी, और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, शिक्षा मिली, क्या मिली आपको। देखिए मगरमच्छ ने दोस्ती तो की, दोस्ती निभानी भी चाहिए, लेकिन पत्नी के कहने पे बंदर को वो धोखा भी दिया ना। तो ये कहानी का शिक्षा वो क्या है, आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। चलिए हम ये कहानी फिर से शुरू करते हैं। एक बंदर था, वह आम के पेड़ पे रहता था। कहाँ रहता था, आम के पेड़ पर। और वह क्या करता था, यहाँ वहाँ घूमता था, नदी में नहाता था और मीठे मीठे आम को खाता था। एक दिन बंदर पेड़ पर आराम कर रहा था तो वहाँ पे मगरमच्छ तैरता तैरता उसी पेड़ के नीचे आया जहाँ वह बंदर रहता था। उसी पेड़ के नीचे मगरमच्छ आराम करने लगा। जब बंदर ने नीचे देखा तो कहा, नमस्ते दोस्त। क्या बोला, नमस्ते दोस्त। तो मगरमच्छ से चौंक कर देखा, बंदर को देखा तो कह रहा, नमस्ते भाई। तो बोला कि अरे तुम यहाँ, वो कौन बोला, बंदर। तो क्या मगरमच्छ वहाँ पे क्या कर रहा था, वह आराम कर रहा था। तो बंदर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे। तो मगरमच्छ ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो बंदर ने क्या किया, जल्दी से पेड़ पर गया, ढेर सारे मीठे मीठे आम तोड़ के लाया और मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ ने क्या किया, मीठे मीठे आम को खाए और बंदर को धन्यवाद दिया। अब तो ये सिलसिला दिन ब दिन शुरू होता गया। बंदर क्या करता, आम देता, मगरमच्छ आम खाता और आम अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता, तो पत्नी भी उसकी वो मीठे मीठे आम को खाती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि एक बात बताओ, जब आम इतना मीठा है तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। किसने कहा, मगरमच्छ की पत्नी ने कहा। क्या बोला कि जब बंदर के दिए हुए आम इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ सोचने लगा, फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे बंदर का दिल चाहिए, मैं बंदर का दिल खाऊंगी। तो मगरमच्छ बोला कि नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वह मर जाएगा। तो मगरमच्छ की पत्नी बोली, ठीक है अगर तुम उसका दिल ला के नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगी। तो मगरमच्छ बेचारा परेशान हो गया, वह अपने दोस्त को भी धोखा नहीं देना चाहता था और पत्नी के साथ भी बुरा होने नहीं देना चाहता था। तो बेचारा दुखी मन से क्या हुआ, क्या किया, वह बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई चलो आज मैं तुम्हें नदी की सैर कराता हूँ। बंदर भी बहुत खुश हुआ क्योंकि वह भी चाहता था नदी की सैर करना। तो क्या किया, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और नदी की सैर पर निकल गया। अंदर अंदर की मगरमच्छ को मतलब बेकार खराब लग रहा था कि मैं उसे कैसे कहूँ कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल मांग रही है। लेकिन क्या करता है, जब नदी के बीचों बीच जाता है तो मगरमच्छ बंदर से कहता है कि बंदर दोस्त मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो बंदर ने कहा, हाँ कहो दोस्त। तो कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो सुन के बंदर को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाला और कहा, बस इतनी सी बात, ये तो तुम मुझे वहाँ भी कह सकते थे, अब बताओ मैं अपना दिल तुम्हें कैसे दूँ, क्योंकि मैं अपना दिल तो पेड़ पर छोड़ के आया हूँ, तुम मुझे पहले बता देती तो मैं साथ में लेके आता हूँ। तो मगरमच्छ सोचा कि अच्छा ये बात है, तो फिर कहता है, चलो मैं तुम्हें उसी पेड़ के पास ले जाता हूँ जहाँ पर तुमने अपना दिल रखा है। तो बंदर क्या किया, मगरमच्छ के साथ उसी पेड़ के पास आ जाता है। फिर मगरमच्छ कहता है, जाओ दोस्त तुम अपना दिल लेके आ जाओ। तो बंदर क्या करता है, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है
और पेड़ पे चढ़ के फिर कहता है कि दोस्त कभी ऐसा होता है कि कोई दिल अपना पेड़ पे छोड़ के चला जाए? दिल तो हमेशा साथ में होता है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। कौन बोला? बंदर बोला किसको? मगरमच्छ को, कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें एक सच्चा दोस्त मानता था, लेकिन तुमने मेरा दिल ही मांग लिया। तो अब क्या था बेचारा मगरमच्छ अपना समूह लेकर वहां से लौट जाता है। अच्छी थी ना कहानी? इसलिए अगर दोस्ती करो तो सच्ची करो और उसको निभाओ, नहीं तो दोस्ती बिल्कुल मत।